दोस्तों नमस्कार, पांडे गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे HCF एंड LCM, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आप कलर का या PO का या रेलवे एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं या SSC का तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिकली HCF एंड LCM से क्वेश्चन रेलवे और SSC में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें, मैं आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ क्या HCF होता क्या है, LCM होता क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म आपको बताएंगे, कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बताएंगे, उसके बेस पे आपको क्वेश्चन बताएंगे कि रेलवे एग्जामिनेशन चाहे वो TC का हो या असिस्टेंट लोको पायलट का हो या टेक्नीशियन का हो या ग्रुप डी का हो या आप SSC CGL का दे रहे हैं या इंटरमीडिएट लेवल SSC दे रहे हैं, तो सारे एग्जामिनेशन में एक कॉमन वीडियो आपको काम आएगा। तो सबसे उससे पहले मैं आपको रेलवे एग्जामिनेशन का जो असिस्टेंट लोको पायलट का है और ग्रुप डी का है उसका सिलेबस पे मैं ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में आप देख रहे हैं LCF एंड HCF। मैं वीडियो बेसिकली रेलवे को ऑब्जर्व करके मैं वीडियो को बना रहा हूँ, तो मैं सीरियल बाय वीडियो बना रहा हूँ हर एक टॉपिक का। तो मैं मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, ये चार टॉपिक का अपने पांडे गुरुजी चैनल पे अपने यहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ मैथमेटिक्स फॉर रेलवे एग्जामिनेशन। यहाँ पे चार वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूँ। अभी तक आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे जाके देखें, और हमारे चैनल पांडे गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पे डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ रेलवे एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, किस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसके शॉर्ट ट्रिक के साथ बता रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँच जाए। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं HCF एंड LCM। तो बेसिकली HCF जो होता है वो उसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस ग्रेटेस्ट नंबर जो भी दो नंबर को डिविजिबल हो। मींस सपोज वी हैव, मेरे पास दो नंबर है, एक सपोज एक 18 है, एक 27 है, तो इसका HCF आपको निकालने के लिए बोला जाए। तो इसका LCF के लिए आपको इसका बेसिक डिफिनेशन होता है कि जो भी ग्रेटेस्ट नंबर हो, हाईएस्ट नंबर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 18 और 26 का हाईएस्ट नंबर क्या है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 3 तो लिस्ट नंबर है तो 9 है, तो 9 × 2 हो गया 18 है, 9 × 3 = 7, तो जो इसका जो HCF होगा वो होगा 9। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको वन बाय वन बताते हैं कि HCF में का बेसिक फंडा क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और LCM का को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे HCF से। तो HCF का हम लोग जो निकाल सकते हैं वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका जो आपको बताएंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से, जो कि एक बहुत ही बेस्ट वे है कोई भी नंबर को HCF निकालने के लिए। मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा, तो आपको जो भी मेथड इजी लगे वो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैन बी कैलकुलेट बाय द फर्स्ट डिटरमाइन द प्राइम फैक्टर ऑफ द टू नंबर एंड देन कंपेयरिंग दोज फैक्टर टू टेक आउट द कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव टू कैलकुलेट HCF ऑफ टू नंबर 18 and 42। मीन्स हमें सपोज HCF 18 और 42 का आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए, तो उसको आप कैसे निकालेंगे बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वी फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 18। तो 18 का जो प्राइम फैक्टर क्या होगा वो 2 होगा, 2 × 3 × 3। मीन्स आपको जो भी उसको प्राइम फैक्टर में सबसे पहले आपको स्प्लिट करना पड़ेगा, तो 2 × 3 = 9 हो गया, 6 हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया। और 42 का आपको प्राइम फैक्टर क्या है, 7 × 2 × 3, 7 × 2 क्या हो गया 14, एंड 14 × 3 क्या हुआ 42। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं कॉमन जो दोनों में फैक्टर आ रहा है वो क्या आ रहा है,
यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है। तो HCF का जो बेसिकली वाई फैक्टराइजेशन मेथड में निकालने के लिए आपको दोनों का कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 2 × 3, तो इक्वल टू क्या हो गया 6 हो गया। तो कोई भी नंबर आपको बड़ा बड़ा नंबर दिया हुआ होता है तो आपको उसको छोटे नंबर में स्प्लिट कर दीजिए बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन। जैसे मैं आपको पिछले एग्जांपल में बताया था कि 18 और 27 का, तो 18 को आप को आप सेम ऐसे करिएगा 2 × 3 × 3, 6 × 18, और 27 को क्या कीजिएगा 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 27। तो यहाँ पे 2 क्या आ रहा है, कॉमन क्या है 3 × 3 हो रहा है, तो 3 × 3 क्या हो गया 9। तो दोनों का HCF क्या हो जाएगा 27 और 18 का जो HCF हो जाएगा वो होगा 9। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको HCF आपको एग्जामिनेशन में बेसिक HCF निकालने के लिए नहीं बोला जाएगा कि आप 18 और 42 का HCF निकालें। आपको इसके बेस्ट पे क्वेश्चन दिया रहेगा स्टेटमेंट के पॉइंट टर्म में, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट कराने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि HCF से किस टाइप का क्वेश्चन आता है और LCM से किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। तो जो सेकंड मेथड है वो है डिवीजन मेथड। आप इसको डिवीजन मेथड से भी HCF निकाल सकते हैं। तो डिवीजन मेथड को HCF निकालने के लिए मैं आपको कुछ स्टेप लिखा हूँ, तो स्टेप पढ़ने के बाद मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा भी। तो उससे पहले है क्या कि स्टेप में क्या है, डिवीजन मेथड में पुट द हाईएस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ डिविडेंड एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ डिविजर। तो सपोज हम लोग को एक एग्जांपल हम लेते हैं कि व्हाट इज द HCF ऑफ 72 × 126। इस नंबर का आपको HCF निकालने के लिए बोला जाए तो आपको कैसे निकालेंगे, मैं आपको डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। तो सबसे पहला में है कि पुट द हाईएस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ डिविडेंड एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन प्लेस ऑफ डिविजर। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे 72 लिखते हैं। डिवाइड एंड गेन द रिमाइंडर, देन यूज द रिमाइंडर एज डिवाइडर एंड द अर्लियर डिवाइडर एज ए डिविडेंड। मीन्स आपको यहाँ पे डिवाइड कर, तो 1 से जाएगा तो यहाँ पे 72 आप लिखेंगे तो इसका जो माइनस होगा तो a4 और a5। तो वही बोल रहा है कि आप यहाँ पे क्या करना है, आपको जो प्रीवियस डिविजर है वो यहाँ पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे क्या था 72 था, तो वैसे आपको कैलकुलेट करना 54 1 से जाएगा तो 54 में 72 में 54 गया तो कितना बचा 18। तो वैसे आपको यहाँ पे 54 लिखना है, 18 × 3 = 54। तो जहाँ पे जिसका सॉल्यूशन 0 आ जाता है वहाँ पे जो भी पहले बचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको HCF। तो दोनों का जो HCF हो जाएगा वो 18 होगा। तो ये मेथड आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेंदी है, बट आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे तो इजीली होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग LCM का कॉन्सेप्ट। तो LCM का बेसिक होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मीन्स द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड LCM। मीन्स छोटा नंबर लिस्ट नंबर वैसा नंबर जो सारे नंबर जो भी नंबर दिया हुआ हो उसको सारे डिविजिबल हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लिस्ट इसके लिए इसको भी हम लोग दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, सेम उसका है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। द प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम सेड दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 वेयर प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर। तो सपोज यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लिए हैं कि 9, 48 और 21 का LCM कितना होगा। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, 9 का फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 9 का क्या होता है 3 × 3, 48 का कीजिए, 48 का क्या होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, एंड 21 का कीजिए 3 × 7। तो इसमें फैक्टराइजेशन मेथड में आपको क्या करना है, हम लोग HCF में क्या करते थे कॉमन लेते थे, बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कॉमन नहीं लेंगे, एटलीस्ट में जितना भी मैक्सिमम हो सकता है उतना लेंगे।
तो यहाँ पे क्या करेगा, 3 × 3, यहाँ पे क्या 4 × 4 = 2 है, तो हम लोग मैक्सिमम लेंगे 2 × 2 × 2 × 2, एक्चुअली 3 नहीं लेना क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, 7, 7 कहीं पे नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे 7 आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 1008। तो बेसिकली HCF हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे निकालते हैं। एक और मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं LCM, जो कि बहुत ही अच्छे मेथड है LCM निकालने के लिए, बाय डिवीजन मेथड। सेम इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितने भी नंबर रहेगा उसको हम लोग डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम सपोज हम लोग के पास नंबर है 72 to 41 96, उसको आपको LCM निकालना है, तो आप दो से डिवाइड कीजिए, तो 36 हुआ, 240 का 120, 196 का 98। इसमें आपको कंसीडर करना है कि आपको मिनिमम दो नंबर डिवीजन होना चाहिए, जो भी नंबर यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो वो दो नंबर से जाना चाहिए, डिविजुअल होना चाहिए। तो दो से फिर से करते हैं तो 18, 60 एंड 49, फिर 3 से करते हैं 9, 30 49, उसके बाद जो यहाँ पे 3 से करते हैं तो 3, 10, 49 होता है। तो आप यहाँ से लेके इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा होगा 3, 5, 2, 8, 0। तो इस टाइप से आप LCM कोई भी नंबर को निकाल सकते हैं। तो आपको आपको बताते हैं कि LCM और HCF जो जो कि डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप इस नंबर का LCM निकालिए, इस नंबर का HCF निकालिए। तो सबसे पहले उसके बेस पे LCM और HCF पे बेस पे कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इस फॉर्मूले को आप कॉपी पे नोट डाउन करें, ताकि कोई भी एग्जामिनेशन में जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे आप सॉल्व कर देंगे। और फॉर्मूले के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन LCF और HCF से पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, को रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF ऑफ टू नेचुरल नंबर, मीन्स द टू नेचुरल नंबर का रिलेशन क्या होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड LCF ऑफ टू नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। सपोज मेरे पास दो नंबर है X एंड Y, जिसका LCM एंड HCF क्रमशः A N B है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि A × B = X × Y, मीन्स HCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर, मीन्स X × Y। तो ये फॉर्मूला को आप बेसिकली याद रख लें, आपको एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले पे बेस पे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं LCM और HCF। एक या दो नंबर पे क्वेश्चन आप रेलवे में या SSC में जरूर आने की संभावना है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि LCM ऑफ 8 एंड 26 = 56 एंड HCF ऑफ 8 एंड 28 = 48। नाउ 8 × 28 = 224 एंड ऑल्सो 56 × 4 = 224। तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, मीन्स एक जो फॉर्मूला है वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट जो HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द HCF एंड LCM ऑफ ए फ्रैक्शन नंबर। फ्रैक्शन नंबर मीन्स कोई भी नंबर X / Y के फॉर्म में हो, तो HCF ऑफ ए फ्रैक्शन HCF ऑफ ए न्यूमरेटर, ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाले को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। उसी तरह LCM ऑफ फ्रैक्शन LCM ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर। तो बेसिकली दोस्तों ये हमारे पास तीन फॉर्मूला है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं या रट सकते हैं या अपने कहीं पे भी नोटपैड में सेव करके रख सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको LCM या LCF से पूछा जाए तो आप इजीली से सॉल्व कर देंगे। तो इसी के बेस पे, कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ कि एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चन LCM में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द LCM ऑफ टू नंबर इज 864 एंड देयर HCF इज 144, इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 द अदर नंबर इज व्हाट। तो आपको सेकेंड नंबर पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, LCM दिया गया है जो है 864।
एचसीएफ जो दिया गया है वो दिया गया है 144, एंड फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 288। तो आपको सेकेंड नंबर निकालना है। सपोज सेकेंड नंबर क्या है, वाई है, सॉरी वाई है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे आपको मैं पिछले कॉन्सेप्ट में बताया था कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इजकल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर है, तो वैसे भी 864 इंटू 144 इजकल टू 288 इंटू वाई, देन वाई इजकल टू 864 इंटू 144 डिवाइडेड बाय 288। इसको आप सॉल्व कीजिए तो यहाँ देख रहे हैं कि 12 इंटू टू एंड 12 फोर 24 और फोर, यहाँ पे 12 से जाएगा, यहाँ पे 12 इंटू टू, टू से जाएगा तो 432, तो इसका आंसर हो गया 432। तो बेसिकली दोस्तों क्वेश्चन इस टाइप का एग्जामिनेशन में आता है कि आपको कैसे एल सी एफ और एल सी एम फाइंड आउट करना है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कि द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 और 16 लीव ए रिमाइंडर ऑफ टू इन ईच केसेस। तो आपको लीस्ट नंबर पूछ रहा है कि, तो इसमें जब भी कोई भी लीस्ट नंबर है उसमें हमेशा डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, आना चाहिए टू। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक इसका एलसीएम निकालना है प्लस टू उसको ऐड कर देना है। तो 4, 6, 8, 12 एंड 16 का आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ एलसीएम निकालिए, तो देखते हैं कि दोनों का इसका पूरा नंबर का एलसीएम कितना होगा। तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसका एलसीएम होगा 48। तो 48 में क्या कीजिएगा, प्लस आप टू ऐड कर दीजिए, तो 48 इजकल टू टू क्या हो गया, 50 हो गया। तो इसका क्वेश्चन क्या हो गया, 50। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपको एलसीएम ही निकालना है, बट आपको क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं रहेगा कि इस नंबर का एलसीएम निकालिए उसके बाद टू ऐड कीजिए। तो इस नंबर से आपको क्वेश्चन रीड करके आपको डिवाइड पता करना है कि आपको क्या एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमोंग हुम 1001 पेन एंड 990 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट सम नंबर ऑफ पेन, सेम नंबर ऑफ द पेन एंड सेम नंबर ऑफ द पेंसिल। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, मैक्सिमम ज़्यादातर स्टूडेंट को जिसको 101 पेन, सॉरी 1001 पेन एंड 910 पेंसिल क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आपको ईच स्टूडेंट गेट सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ द पेंसिल। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ द स्टूडेंट हो सकते हैं जो कि इक्वल नंबर ऑफ द पेन, इक्वल नंबर ऑफ द पेन इक्वल टू पेन, इक्वल नंबर ऑफ द पेंसिल। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमें रीड करके हमें पता चल जा रहा है कि दोनों में क्या एच सी एफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच सी एफ दोनों का नंबर का निकालिए, जो एच सी एफ निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1001 एंड 910 का जो एच सी एफ होगा वो होगा 91। तो आप इसका एच सी एफ निकालिए, कोई मेथड से निकालिए, और प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आप नंबर का एच सी एफ नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 91। जहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आपको एच सी एफ में जाना है, जहाँ पे लिस्ट नंबर दिया हुआ है वहाँ पे आपको एल सी एम में जाना है। देखिए यहाँ पे लिस्ट नंबर दिया हुआ था तो हम लोग एल सी एम के साथ गए, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग क्या एच सी एफ के साथ गए। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, रीड करना है। आप मल्टीपल क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एल सी एफ है एच सी एफ से। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ एल सी एम एंड एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 24, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 2, फाइंड द नंबर। तो यहाँ पे एल सी एफ एंड एल सी एफ ऑफ टू नंबर इज क्या दिया हुआ है,
24 दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। दो नंबर का जो एलसीएफ है एनएलसीएफ है द प्रोडक्ट दिया हुआ है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज टू, द फाइंड द नंबर, वो नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसका प्रोडक्ट करने से एलसी दोनों का एलसीएम एलसीएफ प्रोडक्ट करने से 24 आता है। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सपोज एक नंबर हम लोग दो नंबर लेते हैं एक्स एंड वाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है एक्स इंटू वाई इजकल टू 24। बिकॉज दो नंबर का जो एलसीएम इंटू एलसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इजकल टू टू नंबर एक्स इंटू वाई, तो एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना है 24, तो इजकल टू एक्स इंटू वाई, तो एक्स इंटू वाई क्या दिया हुआ 24 दिया हुआ, और द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज टू, तो एक्स एक्स माइनस वाई इजकल टू टू। तो आपको सबसे पहले 24 को फैक्टराइजेशन करके करना है, तो आपको इसका फैक्टर कितना होता है 6 4 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 12 इंटू टू हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है 8 इंटू थ्री हो सकता है, और 24 इंटू वन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ हम लोग देख रहे दो नंबर का जो डिफरेंस है 2 है, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर का डिफरेंस 2 है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 6 और 4 का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो हम लोग यहाँ पे जो इसका आंसर होगा 6 एंड 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो आप इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन असिस्टेंट लोको पायलट में आने की संभावना है, बट जो जहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम और एचसीएफ निकालने का होता है, जहाँ पे जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताए थे फोर्थ और क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में आने की संभावना होती है, बट जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होता है वो असिस्टेंट लोको पायलट या एसएससी या टेक्नीशियन का एग्जामिनेशन में आने की संभावना होती है। तो सबसे लास्ट में हम लोग तो क्वेश्चन देखते हैं, द एस सी एफ ऑफ टू नंबर इज 8। यहाँ पे क्या हुआ, द एस सी एफ दिया हुआ दो नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एल सी एम, तो दो नंबर का जो एस सी एफ दिया हुआ है वो क्या है 8, तो एस सी एफ इजकल टू 8 दिया हुआ है, मीन्स एल सी एम भी का भी जो होगा वो 8 का फैक्टर होगा, मीन्स वो मल्टीपल होगा 8 से। तो आप सोच सकते हैं कि जो जिसका दो नंबर है वो उसका सपोज उसका फैक्टर एस सी एफ 8 है, तो उसका जो एल सी एम होगा वो भी क्या होगा उसके फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि ए 24 फैक्टर है 8 का, 48 फैक्टर है 8 का, सी भी 56 फैक्टर है 8 का, तो लास्ट में बचता है डी, तो 60 क्या है फैक्टर नहीं है 8 का, तो इसका जो ऑप्शन हो गया वो 60 हो गया। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा जो कि एग्जामिनेशन में रेलवे एग्जामिनेशन में आ चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल पांडे गुरुजी को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं रेलवे एग्जामिनेशन से रिलेटेड डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।